भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। लोगों को कोरोना टेस्टिंग करवाने के प्रति प्रेरित करने के लिए 7 जून से चलाया जाएगा विशेष अभियान। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठान ने कहा कि लोगों के मन से कोरोना टेस्टिंग के भय को दूर करने के लिए नूरपुर उपमंडल में 7 जून से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना टेस्टिंग तथा टीकाकरण करवाने के प्रति प्रेरित करने हेतु नूरपुर उपमंडल की सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों तथा एनजीओ का सहयोग लिया जाएगा, ताकि लोग स्वेच्छा से अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आगे आएं। वन मंत्री ने बताया कि 7 जून से चलने वाले अभियान में वह स्वयं 10-10 पंचायतों के प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, बीडीसी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इन पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को कोरोना टेस्टिंग तथा टीकाकरण करवाने के प्रति जागरूक करने हेतु सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में एसडीएम, बीडीओ, बीएमओ तथा स्वास्थ्य अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र के तहत आने वाले अन्य उपमंडलों में भी चलाया जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वन मंत्री ने बताया कि कुछ लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी भय के कारण अपनी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि संक्रमण के कारण कुछ लोग गंभीर हालत में घरों में अपने स्तर पर ही इलाज करवा रहे हैं, जिस कारण उनकी हालत बिगड़ रही है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना को हल्के में ना लें तथा इससे बचने के लिए समय पर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट व इलाज करवाएं। साथ में वीडियो ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर, हम एक सेशन में 10 पंचायत के प्रधान और उनके सचिव और उनके उप प्रधान और बीडीसी मेंबर को बुलाएंगे और कोरोना के बारे में क्या जानकारी नीचे तक गांव तक जानी चाहिए कि हम लोग क्यों टेस्ट नहीं करवा रहे, अगर कोई बीमार है अपने घर में क्यों छुपा हुआ है, वो अपनी बीमारी क्यों नहीं बता रहा, और जब वो बीमारी बताता तब तक बहुत लेट हो चुका, वो उसकी सैचुरेशन बहुत नीचे आ चुकी होती है और वो काफ़ी आगे तक सिक हो चुका होता, तो वो मरीज तुरंत किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे, ये नीचे जाके क्वैक्स के हाथ में ना फंसे और स्टीरॉइड्स को अवॉइड करे और किस तरीके से अपना उपचार ठीक तरीके से कराए, ठीक हाथों में कराए, इसके बारे में हम पंचायत स्तर के ऊपर जो है पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके माध्यम से हम हर घर तक पहुँचना चाहेंगे। हर घर में पहुँच कर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार का संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए हमको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, हमें तुरंत अपनी प्रॉब्लम को बताना होगा, तुरंत उसका समाधान तभी करना पड़ेगा, बाद में इट विल बी टू लेट, बहुत लेट हो चुका होता है जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल पहुंच के हमारी मौत हो गई, ये एक आम चर्चा बन जाती है और विपक्ष इसके बारे में राजनीति करने लगता है, जबकि हम कंट्रीब्यूट नहीं करते, बस केवल राजनीति करते हैं। इसलिए हमने ये अभियान नूरपुर से शुरू किया है, सब डिवीजन नूरपुर में हम शुरू कर रहे हैं और 7 तारीख से हम नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इसको लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम इंदौरा जाएंगे, फिर फतेहपुर और फिर ज्वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये एक हफ्ते के अंदर हम ये सारा अभियान करेंगे। धन्यवाद।
हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।